क्षेत्र में बीते चार दिन से लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदी नाले के बहाव से उफान आने लगा है। सोमवार के दोपहर चिचोली खापरखेड़ा इंदिरा नगर आबादी चिचोली नजदीक के कोलार नदी घाट शिव मंदिर पानी में डूब गया। शिव मंदिर चबूतरे का निचला भाग जिसमें त्रिशूल नंदी पिंड हवन ठिया पानी में डूब गया। साथ ही मंदिर किनारे में झोपड़ी भी पुल के पानी में डूबने से सामान का नुकसान होने की चर्चा लोग कर रहे हैं, लेकिन शिव की मूर्ति खबर लिखे जाने तक पानी में नहीं डूबी थी। शिव मूर्ति का चबूतरा डूब गया था। कोलार नदी को आई बाढ़ से नदी किनारे खेतों की फसलें पानी में डूबने लगी, जिससे किसानों को इस साल आर्थिक नुकसान का सामना सहना पड़ रहा है। उसी प्रकार चिचोली बस्ती लगित एक खाली लेआउट में पानी घुसा है, साथ ही शमशान घाट भी पानी में बहने लगा। इनबीसी न्यूज के लिए खापरखेड़ा से कैमरामैन सुशील सहारे के साथ दिलीप गजभिये की रिपोर्ट।